नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, सत श्री अकाल, राम राम सबको, सभी के धर्मों के लिए, सभी के धर्मों की तरफ से जो जो भाषाएं जो समझते हैं उनकी भाषाओं में दुआ सलाम, इंसानों को, जानवरों को नहीं। ठीक है, आज का मेरा विषय है कि हमें किसको कितना सुनना चाहिए और कैसे सुनना चाहिए और किसी को किस हद तक सुनना चाहिए। अगर हम किसी को फॉलो करते हैं या घर का पारिवारिक सदस्य है तो उसको हमें किस हद तक फॉलो करना चाहिए। और जैसे ये राजनीतिक पार्टीज हैं, इनकी अंधभक्ति जो लोग करते हैं उनको किस हद तक अंधभक्ति करनी चाहिए, और इसी अंधभक्ति की वजह से हमें जो नुकसान तो है ही है, हमारे साथ साथ अभी हम जीवित हैं तो हमारे माता पिता जीवित हैं, उनको कितना नुकसान है क्योंकि वो भी इसी देश के वासी हैं, उसके बाद हमारे आने वाली पीढ़ियाँ वो उसके लिए कितना प्रभावित हो जाएंगी, मुझे उन चीज़ों के बारे में सोचना ज़रूरी है। नमस्कार जी, सत्यनारायण नंदा जी, नमस्कार। तो अब कहानी से शुरू करते हैं। आप माता पिता हैं, आपके पास एक बच्चा है जो आपने अपनी आमदन के अनुसार सबसे टॉप स्कूल में डाला टाउन के। सपोज कर लीजिए आप चंडीगढ़ रहते हैं, चंडीगढ़ के एक टॉप स्कूल में डाला आपने बच्चे को, फर्स्ट डे से लेकर फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, वो मंथली टेस्ट हुए, उस बच्चे को आपने पढ़ाना शुरू किया, और उसके बाद टीचर्स ने, जब पेरेंट्स मीटिंग होती है हर मीटिंग में आपने एज अ पेरेंट आना जाना शुरू किया, कभी मदर जा रही हैं, कभी फादर जा रहे हैं, कभी बच्चे के रिपोर्ट कार्ड चेक हो रहे हैं, तो सारा साल आपने बच्चे का पूरा साथ दिया। तो सारा साल जब आपने साथ दिया बच्चे का, आपने बच्चे, फिर स्कूल्स में कुछ प्रोग्राम होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम हैं, और स्कूल में डांस आइटम्स ये सब चीज़ें, एग्जीबिशंस, साइंस, बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। नमस्कार निसार बारू भाई, हाँ नमस्कार सुखविंदर जी, सत श्री अकाल। और तो बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। इकबाल भाई जय हिंद, अभी थोड़ी देर में आपकी दुआ सलाम सबको कर देती हूँ, और जब मेरा विषय ख़त्म हो जाएगा फिर से मैं सबसे विश करूँगी, अगर किसी के विश को मैं छोड़ देती हूँ तो क्षमा चाहूँगी, पर स्टिल आप सब लोगों को मेरी तरफ से आदर सत्कार। ठीक है, तो वो बच्चे पे हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सारा साल मेहनत करते हैं। अब कभी आपके एक बच्चे की कंप्लेंट आ जाती है कि आपका बच्चा केमिस्ट्री में वीक है, आपका बच्चा साइंस में वीक है, आपका बच्चा हिंदी नहीं पढ़ पा रहा है, संस्कृत नहीं कर पा रहा है, तो ये सब चीज़ें हैं। जब ये सब चीज़ें होती हैं तो आप क्या करते हो, बच्चे के लिए एक्स्ट्रा ट्यूशन्स रखते हो, बच्चे को स्पोर्ट्स में आपने भेजना है और बच्चे का भी मन है, पर बच्चे को भी काउंसलर चाहिए, ट्रेनर चाहिए, तो बच्चे के लिए आप अलग से क्लासेस लगाते हो जहाँ पे बच्चा जाके अपने कोच के साथ बैडमिंटन सीखता है, वो क्रिकेट सीखता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, एक एक्टिविटी तो है नहीं। अब आप उस बच्चे के लिए अपनी कमाई का एक हिस्सा भी बच्चे पर लगाते हो, आप अपना दिमाग भी लगाते हो, जिन दिनों बच्चे के एग्ज़ाम होते हैं उन दिनों घर का टीवी भी नहीं चल रहा होता, मोस्ट ऑफ द फैमिली मोमेंट्स भी आप छोड़ देते हो क्योंकि आपने बच्चे को पढ़ाना है। अब होता क्या है, आप जब इन चीज़ों के साथ चलते हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप भी बच्चे के साथ एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हो, पेरेंट्स का प्रेशर उतना ही बड़ा प्रेशर होता है जितना बड़ा प्रेशर बच्चे पे होता है, क्योंकि बच्चे को तो पास होना है, पेरेंट्स को बच्चे का फ्यूचर बनाना है, क्योंकि हमारे माँ बाप ही हमारा फ्यूचर बनाएंगे। हाँ ये ठीक है, हम अपना स्ट्रीम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं, बट अचानक से आपको एक दिन आके पता लगता है कि कल ना जो बच्चे का एग्ज़ाम है, एक नेक्स्ट वीक जो एग्ज़ाम है वो कल पेपर लीक हो जाएगा। आप एक काम करो भाई साहब, आप ना अपने बच्चे के लिए ना, चलो मैं 20 से 80 तक लेके जाता हूँ भाई, अभी मैं किसी के कमेंट नहीं पढ़ूंगी। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब आपको पिताजी को ऑफर मिलती है, आपको अगर अपने बच्चे को पास कराना है ना तो आपको ये एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आना है ये क्वेश्चन पेपर कल आपको मिल जाएगा, और आपके बच्चे ने को आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगले हफ्ते बच्चे का पेपर है तो 100% बच्चा पास होएगा, और वो फर्स्ट डिवीजन हायर फर्स्ट से और 98 99 जितने भी बच्चों के कट ऑफ जाते हैं इतना जाएगा। क्या आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन पेपर खरीद के लाएंगे?
आप अपने बच्चे को कहेंगे बेटा अपने तक जो तूने कर लिया था, हाथ पांव तोड़ने थे तोड़ लिया, अब एक काम कर, ये क्वेश्चन पेपर मैं कल ले आता हूँ, मेरे पास पैसा तो है ही है, कल मैं क्वेश्चन पेपर ले आता हूँ, और बेटा अब अगले हफ्ते जो एग्जाम से 7 दिन पहले की तैयारी, एग्जाम से 2 घंटे पहले की भी तैयारी होती है, एग्जाम से 7 दिन पहले की तैयारी बेटा अब नहीं करना, अब जाओ खेलो कूदो फिरो ऐश करो, अब तुम्हारी कोई दिशा नहीं है, तुम्हारे पास कोई एग्जाम का प्रेशर नहीं है, तुम्हारा कोई टारगेट नहीं है, बस जो क्वेश्चन पेपर मैं ले आऊँ ना बेटा इसको ना रट लियो और जाके कर लियो। और दूसरी बात एक और, मैंने प्रिंसिपल से सांठ गांठ कर ली है, तू हर हालत में पास क्या, तू हायर फर्स्ट डिवीजन में जाएगा, कोई और बच्चा पास फर्स्ट आ ही नहीं सकता, सिर्फ तू आएगा, तू मेहनत मत कर। क्या आप ऐसे माता पिता, उम्मीद करती हूँ आप ऐसे माता पिता नहीं है। अब यही हुआ हमारे साथ, हमने एक परिवार को फॉलो किया, हमने एक समाज को फॉलो किया, अपने समाज में हम पले बढ़े, हमने अपनी अपने आसपास के माहौल को देखा, इंडिया की लोकतंत्र को देखा, जहाँ पे इंडिया का लोकतंत्र किसी ज़माने में चल रहा था, आज़ादी के बाद मिला था। और मैं नहीं कहती कि कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया और पिछले कुछ सालों में किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं दिया, जब 1947 में पार्टीशन हुआ था, दैट टाइम हमारे जो फैसिलिटीज थी, हमारे पास साइकिल पे लोग हुआ करते थे, रेडियो के लाइसेंस हुआ करते थे, वो बहुत छोटी छोटी गाड़ियाँ किसी किसी के पास हुआ करती थी, टू व्हीलर भी किसी के पास नहीं होते थे, यानी कि बहुत कुछ नहीं था। और आज उसके बाद देखा जाए तो पिछले 5 साल के पहले को छोड़ के उस डेवलपमेंट का आनंद मैंने भी लिया है, मैंने भी क्वालिफिकेशन ली है, ट्रांसपोर्टेशन मैंने भी यूज़ किया है, गाड़ी तक मैंने चलाई है, सब चीज़ें हैं हमारे घर में भी हैं, आप सब लोगों के घर में भी हैं। अब उसी तरीके से हम लोगों को लोकतंत्र के अंदर छोटे छोटे लूप होल दिखाई दिए, हमारा लोकतंत्र खराब होने लग गया। हुआ कैसे खराब, लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया हमारे, हमने इलेक्ट हमारे जो उम्मीदवार थे उनको हमने ढंग से नहीं चुना, एक एक दल की हमने भक्ति करते रहे, तो फिर उसके भक्ति करते करते क्या हुआ, हम उनके अंदर लीन हो गए, अंधभक्त हो गए, क्योंकि हमें बाहर का कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि जब तक हम अपने घर का खाना छोड़ के बाहर किसी और के घर का खाना नहीं खाएंगे, तब तक अपने घर के खाने की रेसिपी को हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। जिस तरह आप खुश होने के लिए कभी कभी बाहर होटल जाके खाना खाते हैं, देश विदेश में जाते हैं, तो इम्प्रूवमेंट इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप सब लोगों के साथ मेरा परिचय यहीं पे हुआ, फेसबुक से हुआ, वो सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि हम लोग ये चाहते थे कि शायद हमारे कुछ सहयोग से हमारे लोकतंत्र में कुछ बदलाव आ जाए, हम लोकतंत्र में बदलाव लाना चाहते थे, एक दूसरे को कहते थे भाई अब वोट आएंगे ना 4 साल बाद, ध्यान से देना, अब जो कर लिया सो कर लिया, अब जो कर लिया सो कर लिया, फिर हमने कहना शुरू किया 3 साल के बाद वोट आएंगे, ध्यान रखना जो कर लिया सो कर लिया, फिर बोला कि 2 साल बाद वोट आएंगे जो करना सीख, अब क्या हुआ, इम्तिहान की घड़ी हमारे सिर पे है, जैसे उस पिताजी को क्वेश्चन पेपर मिला था उसी तरीके से हमारे सामने भी एक नए पात्र इंट्रोड्यूस हो जाते हैं कि ये हैं जो ईवीएम को हैक कर लेंगे, आप एक काम कीजिए, अब आपके पास कोई दिशा नहीं है, ना कांग्रेस ना बीजेपी ना सपा ना फलाना ना ढिकाड़ा ना किसी को भी नहीं, हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर आया है, ये क्वेश्चन पेपर आप सब लोग ले लेना, आप लोग मेहनत भी मत करना, फाइनल डेज में पढ़ना भी मत, प्रिपरेटरी डेज में आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, और देख लेना इलेक्शन हम एक ही पार्टी को जिता के रहेंगे, वो क्या वो मैं हैक कर लूंगा और सारा काम हो जाएगा। अभी बात बताओ, ये भटकाना ना हुआ, ये भटकाना हुआ ना, एक तो आप बिल्कुल लीक पे 4 साल से सब लोग अपनी, सॉरी टू से, सब लोग अपनी ताकत लगा रहे थे, अपने आप को बहुत अंदर से बाहर निकाल रहे थे, हमारा नेता कैसे हो, हमारे भी क्वेश्चन करने की हिम्मत आ गई थी, ठीक है, और एट द टाइम लास्ट टाइम पे आपके बच्चे के एग्जाम के 7 दिन पहले या 5 दिन पहले आप खुद जाके क्वेश्चन पेपर ले आते हो कि बेटा आज के बाद तुझे मेहनत नहीं करनी, अब देख लेंगे तेरे प्रिंसिपल को और कर लेंगे तेरा इलेक्शन इलेक्शन, हाँ देख लेंगे तेरा रिजल्ट, रिजल्ट कमीशन हमारे पास है, क्योंकि स्कूल बोर्ड्स होते हैं, स्टेट बोर्ड होता है, सीबीएसई बोर्ड होता है, आईसी बोर्ड होता है, तो ये सारे बोर्ड्स हमारे मुट्ठे में, चिंता मत कर तुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। वही हालात आज हमारे सामने है। आज हमें क्या बोला जाता था थोड़े टाइम पहले, हमें उम्मीदवार ढंग से चुनना है, हमें ऐसा फोर्स करना है कि उम्मीदवार सही हो, हमें क्वेश्चन करना है। अरे भाई क्वेश्चन किससे करें, आप तो हमें क्या सिखा रहे हैं, ना कांग्रेस को करना, ना बीजेपी को करना, ना फलाने को, ना ढिकाने को, ना धमकाने को, किसी को वोट नहीं करना, आप जिसको मर्जी डालो मैं वोट शिफ्ट कर दूंगा, फिर इसका मतलब हमारी मेहनत का कोई फायदा ही नहीं, हम घर पे बैठे रहे। जब हम घर पे नहीं, आपको कहने का क्या मतलब है कि भाई साहब आप लोग कहीं मत जाना, कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, ना कांग्रेस ना बीजेपी किसी को नहीं करना, आप घर पे बैठिए और सारे के सारे वोट मैं शिफ्ट कर लूंगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपके जो वोट थे वो बोकस हो जाएंगे, बोकस वोट्स डलेंगे, या तो आपको
मैं एक सलाह देती हूँ, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, मैं बहुत, और राजनीति में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा सिर्फ इंटरेस्ट ये है कि मेरे पिताजी ने सिखाया था, कानून की हदों में रह के कार्य करना चाहिए, कभी भी कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे परिवार की या राष्ट्र की या समाज की कोई बेइज्जती होती हो, क्योंकि अगर हम उसकी तरक्की में भागीदार नहीं हो सकते तो प्लीज उसकी बुराई में और उसकी अवहेला में कभी भी हमें हिस्सेदार नहीं होना चाहिए। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिस तरह क्वेश्चन पेपर आपके पास आ गया, आपको क्या चाहिए वो क्वेश्चन पेपर के टुकड़े फाड़िए, बोलिए हमने जब पूरा साल मेहनत कर ली तो हम 5 दिन और मेहनत कर लेंगे, एटलीस्ट हम अपनी मेहनत का रिजल्ट लेंगे। तो अभी आपको से भी ये आग्रह करती हूँ कि आपके जो जो पार्टी आपको अच्छी लगती है उस पार्टी के एक बेहतरीन उम्मीदवार को लेके आइए, अगर आपकी पार्टी बेहतरीन उम्मीदवार नहीं चुनती है तो पार्टी तक आप अपनी इन्फॉर्मेशन दीजिए कि नहीं हमें आपका ये उम्मीदवार पसंद नहीं है, हम इसको साथ नहीं देंगे। उसके लिए आप चुनाव वाले दिन जाइए, जहां पे आपका चुनाव अरेंज हो रहा है वहां जाइए, वहां जाके आपके सामने ईवीएम मशीन आएगी, ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट मशीन आएगी, आप अपना वोट डालिए, वोट डालिए नोटा को कि आपको कोई भी पार्टी कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है, ठीक है। हो सकता है इनका पैतरा फेल हो जाए तो आप क्या करेंगे, ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे, आप हो जाएंगे धोबी के कुत्ते, ना घर के ना घाट के। माफी चाहूंगी कि मैंने एक गलत शब्द इस्तेमाल किया, पर ये मुहावरे का एक अभिन्न हिस्सा है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ना कांग्रेस के ना बीजेपी के ना सपा के ना फलानी के ना ढंगारी के, आप किसी भी राजनीतिक पार्टी के नहीं रहेंगे, आप घर पे बैठे फिर कहते रहना अच्छा हमें तो ये बेवकूफ बना गया, हमारे साथ ये खेल गया, फिर उसके बाद आप अगले 5 साल का इंतजार करना, फिर 5 साल में आपको लर्निंग लाइसेंस दिए जाएंगे और तब तक फिर कोई पैतरा खेला जाएगा। इसीलिए किसी के बहकावे में मत आइए, किसी के कहने में मत आइए, अपने आप को समझदार साबित कीजिए और अपना उम्मीदवार आप खुद चुनिए, अपनी पार्टी के सदस्य आप खुद चुनिए। ये चुनाव के अंदर इस तरह से धांधली हर जगह होती थी, होती है और होती आएगी। आप रोकना कौन चाहेगा, हम रोकना चाहेंगे अपनी मन मर्जी से, जब हम रोकना चाहेंगे तभी ये रुक पाएगी, इसके अलावा ये रुक नहीं पाएगी, ठीक है। और अभी भी अनुरोध यही है कि अपना सोच समझ के वोट दीजिएगा, किसी के बहकावे में मत आइएगा। कोई भी आपको कहे मैं तुम्हें क्वेश्चन पेपर लाके तुम्हें पास करा दूंगा, याद रखिएगा उस क्वेश्चन पेपर से खुदा ना खास्ता आप पास भी हो गए पर किसी को शक्ल दिखाने और कार्य करने लायक नहीं रहेंगे। आज अगर मैं आपको ऑफर करती हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, आपको भी एक डिग्री मिल जाएगी, ठीक है आप डिग्री कर लीजिएगा, क्या आप पेशेंट का इलाज कर पाएंगे, आप उससे बात कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। इसी तरीके से जब आप इस तरह से उम्मीदवार चुनेंगे आप सफल नहीं हो पाएंगे। आगे अब आपकी मर्जी है, आप जो करना चाहते हैं आप करिए, पर स्टिल आपसे अनुरोध है कि अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, जिस मर्जी पार्टी को डाल दो, जो मर्जी डाल दो, ऐसा मत कीजिएगा, कतई मत कीजिएगा। आप अपनी सूझबूझ से डालिए, अपने वोट का वोकस क्यों जाने दे, आपका वोट आपकी ताकत है, आप समाज का अभिन्न अंग है, आपके साथ ही हमारा समाज बनता है। जो इतने सारे टाइम से हम बातें करते आ रहे हैं कि हमें शिक्षित होना है, हमें सब कुछ होना है, फाइनल टाइम पे आके हम अपने आप को परेशान कर ले, मैं ये बात कतई नहीं कहना चाहती थी, पर स्टिल मैंने पिछली लाइव में भी इसलिए कहा था, क्या ये वक्त बीत जाएगा फिर हम बोलेंगे, नहीं, वक्त रहने पे बोलने वाला ही इंसान इंसान होता है। हो सकता है मैं कहीं गलत हूं, हो सकता है मेरे को कोई बुरा शक हो, पर स्टिल अपने लोकतंत्र को मैं इतना तो जानती हूं, जितनी दिवालियां आपने देखी हैं उतनी मैंने भी देखी हैं, जितने दशहरे आपने देखे हैं उतने मैंने भी देखे हैं, आपने अपनी जिंदगी चलाई है तो मैंने भी अपनी जिंदगी चलाई है, आपने अगर अपना बिजनेस खुद खड़ा किया मैंने भी किया, ठीक है ना, नौकरी मैंने भी की है, घर मैं भी चलाती हूँ, आप सब लोग भी चलाते हैं, कोई अलग अलग कोई सिस्टम नहीं है किसी का, हर इंसान अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग चलाता है। अगर आप अपना घर चलाते तो धीरू भाई अंबानी अपना घर चलाते थे, मुकेश अंबानी जितना पैसा जिसके पास होगा चला लेगा, पर स्टिल अभी भी अनुरोध करती हूँ किसी भी तरीके के बहकावे में मत आइएगा, आप अपने वोट को इस्तेमाल कीजिएगा, इसको नहीं देना उसको नहीं देना उसको नहीं देना तो आपने किसको देना, गुमराह कर दिया ना, अब गुमराह होने की कोई जरूरत नहीं है, आप ही अपने अपने एरिया को देखिए, जो प्रॉब्लम है जाके सॉल्व कीजिए और अपने वोट दीजिए। उस माता पिता की तरह मत बनिएगा जो बच्चे के लिए एक क्वेश्चन पेपर अरेंज कर ले और बच्चा पेपर देने से कुछ समय पहले ही निफ्राम होकर बैठ जाए, देख लीजिए ना आपके बच्चे जैसे 7 दिन पहले अगर हाथ पे हाथ रखे आप पिकनिक पे चले जाइए फिर देखिएगा आपके बच्चे का क्या रिजल्ट होगा, वही आपके बच्चे का रिजल्ट ये लाना चाहते हैं, उसी तरह आपके उम्मीदवार का रिजल्ट लाना चाहते हैं, और ये सोची समझी साजिश है। वक्त आने पर समय के साथ साथ, समय से पहले तो नहीं मैं बोलती, समय के साथ साथ सारे पर्दे ऐसे निकालती जाऊंगी तब आपको भी समझ में आएगा। आज कई लोगों को मैं बहुत बुरी लगती हूँ, कई लोगों को मैं पहले दीदी लगती थी, आज मैं बहुत बुरी लगती हूँ, कोई बात नहीं लगने दीजिए, मुझे जो सही लग रहा है मैं वो कह सकती हूँ, जो आपको सही लगता है आप करिए, ना मैं आपको चाटुकार बोलती ना मैं खुद से चाटुकारिता करती।
ठीक है, मुझे किसी से अंधभक्ति ना तो होती है ना मुझे सहन होती है, आपकी मर्जी, आपने जिसको जाना चाहिए, जिसको सुनना सुनिए, मैं सुनने के लिए भी मना नहीं करती, पर स्टिल मैं इतना कहती हूँ मुझे बोलने से कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है, अब फिर से आप सब लोगों से अनुरोध है, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, गर्मी आ रही है, खूब सारा पानी पीजिए, पानी के अंदर आप लगातार, अगर भी ज़्यादा पानी नहीं पी सकते तो पानी में फ्रेगनेंसेस डाल के, रूबजा, ये शिकंजवी बना के, किसी भी तरह से करके इन हेल्पिंग फॉर्म पानी पीजिए, और पक्षी पक्षियों के लिए बाहर पानी रखिए, घर के बाहर, घर के आंगन के बाहर एक बड़ा सा पात्र रख दीजिए, हाँ पात्र रख लीजिए जिसमें पानी डाल दीजिए, और या फिर छत के ऊपर जाके एक बाउल रख दीजिए, कुछ बाजरा, कुछ पानी रख दीजिए, ट्राई कीजिए जितने ज़्यादा पेड़ पौधे अपने घर पे लगा सके, क्योंकि वही पेड़ पौधे आपके घर की दीवारों पे गर्मी नहीं आने देंगे, जिससे वजह से आपका दिमागी संतुलन भी सही रहेगा, गुस्से में नहीं रहेंगे। कॉल मी जी, ऐसा है, मैं किसी को अपनी लाइफ पे कभी भी नहीं छोड़ती, और आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं, आप अपनी लाइफ बनाइए, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। हाँ, आपके जो विचार मुझे दिख रहे होंगे उनको अगर मैं पढ़ना चाहूँगी तो मैं पढ़ लूँगी, पर मैं किसी को अपनी लाइफ पे जोड़ती नहीं हूँ, ठीक है, और ना ही मुझे किसी को इनवाइट करके शेयर और लाइक बढ़वाने का शौक है, ना ही मुझे नए नए लोगों को लाने का एक बड़ा बड़ा शौक है कि ये हमारे नए आए हैं, ये हमारे नए आए हैं, कि देख के पता नहीं कौन सा जलवा नशीन करना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, साफ पानी नहीं होता आसपास, आप अपने पानी को खुद साफ कर सकते हैं, अपने घर के अंदर रेन वाटर हार्वेस्ट का प्लांट लगाइए, उसके बाद पानी को साफ करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, अपना जो गूगल पे जो सारा दिन बैठ के सोचते हैं किसकी ने कहाँ पे किसकी अंधभक्ति करनी है, तो उसको छोड़ के ये देखिए कि आपके वोट की क्या वैल्यू है, और आप अपने आसपास को कैसे साफ करते हैं, अगर आप जागरूक हैं तो सब जागरूक हैं। और कुछ का नॉमिनेशन चल रहा है जी, देखिए नॉमिनेशन, अच्छा अब जी साथ में एक और जोड़ देती हूँ, ना इसको वोट देना ना उसको वोट देना, किसी को भी वोट नहीं देना, पर बता तो दो भाई आपके लिस्ट में कितने हैं, एक भारतीय प्रभात पार्टी को जरूर इंट्रोड्यूस किया था कि उसको, अब पता लगेगा कि उसके अंदर कितने सदस्य हैं, एक चरण का तो नॉमिनेशन हो गया ना, जैसे मिस्टर राजीव चौधरी हैं वो दिख रहे हैं कि उन्होंने भारतीय किसान पार्टी के साथ किया, तो बाकी आपके नॉमिनेशंस का दिखाइए ना, अब हमें पता तो लगेगा ना किन चंद लोगों को, कौन से 400 लोग हैं जो आपने लिस्ट में डाल दी, किश्तों पे डाल दिए तो मैं किश्तों पे बढ़ा दो, जोड़ना नहीं चाहिए जी, बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, जो लिस्ट में आपने 400 लोग डाले हैं उन 400 लोगों का नाम दे दो, ताकि हम देख तो सकें कि आपकी मेहनत कितनी रंग लाई है, आपने कुछ किया है, हुआ है या नहीं किया, और हो सकता है आपके 400 में से 4 भी इकट्ठे ना हुए हो, अगर 400 में से हो सकता है 4 में से कुछ 5 हम भी पसंद करते हैं, हम उनको इंडिविजुअल जानते हो, तो हम उनका सपोर्ट करने भी निकल जाएंगे, हम ये नहीं करते कि हम आपके सदस्यों का सपोर्ट नहीं करते, हम सपोर्ट भी करेंगे, हम सपोर्ट सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं जहाँ पे शक होता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती है, और ध्यान रखिएगा जनाब, आपने जब लंदन के अंदर वो बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर इंटरव्यू दिया था, आपने प्रमाण प्रत्यक्ष के साथ नहीं दिए थे, आपका प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना था, ठीक है, आपके किसी भी चीज का सबूत नहीं था, इल्जामात थे, ठीक है, चलिए, शब खैर, बाय बाय, गुड नाइट, सब अपना ध्यान रखिएगा।